की बड़ी खबर की ओर। विधानसभा उपचुनाव का रण देखने को मिल रहा है, बड़ी खबर है ये। 53 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। सहाड़ा में 21 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं, तो वहीं राजसमंद में 17 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। सुजानगढ़ में 15 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है, तो वहीं अगर बात करें हम तो विधानसभा उपचुनाव का रण तैयार हो चुका है। 53 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिए हैं, ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे उपचुनाव को लेकर। सहाड़ा में 21 उम्मीदवारों ने नामांकन किए हैं, राजसमंद में 17 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दिनेश जहांगीर जुड़े हुए हैं। दिनेश, उपचुनाव का रण तैयार हो चुका है। जी देखिए, नामांकन का दौर आज समाप्त हो चुका है और अधिकतर उम्मीदवारों ने आज नामांकन के आखिरी दिन अपने पर्चे दाखिल किए। टोटल 53 नामांकन जो उम्मीदवारों ने आज अपने हैं वो दाखिल किए हैं, जिसमें आरएलपी के उम्मीदवार भी शामिल है। सबसे ज्यादा सहाड़ा से 21 उम्मीदवारों ने और सबसे कम सुजानगढ़ से 15 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे भरे हैं। अब कल सभी की स्क्रूटनी होगी और उसके बाद 3 अप्रैल तक ये उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। हालांकि अधिकतर निर्दलीय उम्मीदवार पर्चा वापस लेते हैं और भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी के उम्मीदवार कल से ही अपना जो चुनाव प्रचार है वो यहां पर तेज कर देंगे। साड़ा के अंदर भाजपा के जो बागी उम्मीदवार है लादू राम पिपलिया, उन्होंने भी आज अपना यहां पर नामांकन दाखिल कर दिया। अब किस तरह पार्टी उनको मनवाती है अगले 2-3 दिनों में, ये गौर करने वाली बात होगी। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने आज आधिकारिक आंकड़े जाए जो है वो यहाँ पर बता दिए हैं कि 53 उम्मीदवारों ने ये नामांकन दाखिल किए हैं। चलिए दिनेश, 53 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिए हैं, अब किस तरीके के कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है? जी देखिए, मुख्य मुकाबला वैसे तीनों उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। हालांकि कई जगह जो आरएलपी ने जातिगत समीकरण साथ हुए उम्मीदवार उतारे हैं, उससे दोनों ही दलों के कहीं ना कहीं समीकरण यहाँ पर बिगड़ सकते हैं। लेकिन अभी तक मुकाबले में नजर आरएलपी यहाँ पर कहीं नहीं आ रहे, लेकिन किसके कितने वो वोट तोड़ पाती है ये गौर करने वाली बात होगी। लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही है राजस्थान में। जी बिल्कुल दिनेश, मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में देखने को मिल रहा है और ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 53 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिए उपचुनाव को लेकर। राजस्थान में रण देखने को मिल रहा है। भाजपा और कांग्रेस लगातार चुनावी रैली कर रही है, लोगों से अपने अपनी पार्टी के मत देने की अपील कर रही है, लोगों से अपील कर रही है कि वो उन्हें ही मत दें। इसके साथ ही अभी कुछ देर पहले हमने आपको सीएम गहलोत की चुनावी रैली दिखाई थी, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था और इसके साथ ही लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की थी। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 53 उम्मीदवारों ने उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिए हैं। बता दें आपको कि 31 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, वहीं 3 अप्रैल तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। ये बड़ी खबर है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, 31 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और इसके साथ ही 3 अप्रैल तक उम्मीदवार अपने नाम भी वापस ले सकते हैं। आपको बता दें कि 53 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर लिए हैं। तो इस समय कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों पार्टियां लगातार चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और दोनों ही पार्टियां
सामदान दंड भेंट अपना रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, विधानसभा उपचुनाव का रण देखने को मिल रहा है। 53 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। सहाड़ा में 21 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं।